चट मंगनी पट व्या बुलाए करा आपको तो मैशर वाले दिन औरतें पकड़ पकड़ के कहेंगी नहीं भैणा दुनिया के तू वाकई मार काम मारिया तू ओ भला किया अल्लाह ने तेरा भला कर दिता। आपने अपनी अम्मा को बताया कि आप उनका गुर्दा बेच के ये वाला आईफोन लेके आए हैं मेरे लिए? तो गुर्दा बेचे उन्होंने तो ऑपरेशन नहीं बेचे कि मैं उन्होंने परस चो गुर्दा काट ले। सबसे दिलकश जिसकी अदा है वो एक राह है, हाँ एक राह है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। हाफिज वकार का मैंने पिछले दिनों इंटरव्यू किया था जो कि नाबीना थे। अभी मुझे उनकी कॉल्स आई जा रही थी कि जितना जल्दी हो सके मुझसे मिलो वरना नुकसान हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब मैं यहां पे आई हूं कि भाई देखते हैं कि इतना क्या मसला आ गया था कि हाफिज ने जो ना पूरा पाकिस्तान सर पे उठाया हुआ था कि भाई एक दफा मिलो एक, तो ये देखो भाई बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठ जाऊं मैं? बैठे 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 बैठे। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। ए, हटे कट्टे बैठे हुए हैं, मेरे को पता नहीं क्या मसला है, क्या इशू आ गया है कि इतनी जल्दी कह रहे हैं एक दफा आ जाओ, बहुत जरूरी मसला हो गया है। मुझे लगा अल्लाह माफी दे कुछ हो गया है। ना थी तो शायद कुछ हो जाता। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझ सा नहीं देखा होगा। जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा। मैं अब वाह नहीं करूंगी, मुझे गुस्सा आ रहा है कि मुझे इतनी कॉल्स किए कि भाई ये मसला हो गया अभी आके मिलो वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा और यहाँ बैठ के मुझे गाने सुनाई जा रहे हैं। सबसे दिलकश जिसकी अदा है, सबसे दिलकश जिसकी अदा है वो एक राह है, हाँ एक राह है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है वो एक राह है, हाँ एक राह है। बच्चों गाने सुना के मेरा नाम लेके मेरा मूड नहीं ठीक कर सकते हो क्योंकि इतने में परेशान हो गई थी और आपने मुझे एंड पे आके ये। अच्छा मुझे बताओ क्या वजह थी, क्या बात करनी थी? अब मेरी मामा की और मेरी काफी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से मैं आपको बार बार कॉल कर रहा था कि आप मुझे मिले। क्या हुआ है उनको? खैरियत है? तबीयत क्या हुआ है उनको? बस वो ना थक गई हैं खुद से रोटियां पका पका के, और यकीन करें मैं भी उनके हाथ का वो खाना खा खा के ना अक गया हूँ, अब तो टेस्ट ही नहीं आता। तो मेड रख लें? अरे मैं कुछ फीलिंग लाना चाह रहा हूँ ना, मेड क्या करेंगे रख के। देखे ना अल्लाह पाक ने हर इंसान को किसी ना किसी के लिए बनाया होता है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ। ये गाना मैं गाती हूँ, तुम्हें पाकर तुम्हारे पीछे कुत्ते छोड़ देंगे हम। हद होती है किसी बात की, कोई सीनियर जूनियर भी होता है मैं इंटरव्यू किया और आप अम्मी क्या कहती हैं, उन्होंने डांटा नहीं आपको कि ये क्या बदतमीजी है? तो खुश हुई, कहती मैं समझती थी कि अन्ना कुछ भी नहीं कर सकता पर जेड़ा काम तू कीता ओदा तेरा अब्बा भी नहीं कर सकेगा। मुझे समझ नहीं आ रही मुझे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। आपको रश करना चाहिए आपकी किस्मत पे, यकीन करें आप इधर भी जनती हैं उधर भी जनती हैं। आपको तो मैशर वाले दिन औरतें पकड़ पकड़ के कहेंगी नहीं भैणा दुनिया के तू वाकई मार काम मारिया तू ओदा भला कीता अल्लाह ने तेरा भला कर दिता। बाकी घर वालों का क्या, चाचू उस दिन आपके साथ है उन्होंने कुछ नहीं कहा आपको? अम्मी तो चलो मान गई, अम्मी तो वैसे भी मान जाती होती हैं सबकी, बाकी फैमिली का क्या होगा? बाकी फैमिली वो कह रहे हैं चट मंगनी पट व्या बुलाए करा अल्लाह हाफिज। मुझे बताएं हाफिज साहब पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पे आने का क्या मकसद था? मैं भी आपके लिए कुछ लाया हूँ और आपको देख के हैरानी होगी, ये देखें ये आपके लिए है आईफोन। रियल वाला आईफोन है? आप तो बात पक्की है ना, ऐ सारी ऑडियंस देखन दी, एक दफा बताएं आप मुझे। नहीं मैं नहीं ले सकती इतना महंगा तोहफा। ओ इतना महंगा तोहफा आपने कैसे ले लिया? क्योंकि टीचर की तनख्वाह तो इतनी नहीं होती है कि वो इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे सके। यकीन करें ये आप किसी को, ये आपको मेरी कसम है आपको लेना पड़ेगा, मैंने अपनी अम्मी का गुर्दा भेज के ये आईफोन लिया। सॉरी मुझे हंसना नहीं चाहिए था, कितनी गलत बात है ये तो, आपने और गलत कर दी। इतनी अम्मी आपकी अच्छी थी? अम्मी अच्छी थी, आप उससे भी अच्छी हैं, वो मेरी अम्मी थी, आप बच्चों की अम्मी बनेगी, ये आप रख ले। मैंने कल आपके लिए आसमान से तारे तोड़े हैं।
मैं लाने लगा तो सुबह हो गई है। आपने अपनी अम्मा को बताया कि आप उनका गुर्दा बेच के ये वाला आईफोन लेके आए हैं मेरे लिए? तो गुर्दा बेचे उन्होंने, ऑपरेशन नहीं बेचे कि मैं उन्होंने परस चो गुर्दा काट ले। ये एक दफा आप इसे खोल के देखें। मैडम ये 20 प्रो मैक्स भी हो सकता है, एक दफा खोल के तो देखें। चलें जी कैमरामैन फोकस करो। मजा आया आपको? ए बल्ला मेनू नहीं ना, बच्चे ने पकड़ा, मैं सर फोड़ू इसका। ये क्या बदतमीजी, आईफोन के अंदर आईफोन के डिब्बे में ये बटनों वाला फोन। वो हकीकत है मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो अब आपकी किस्मत है क्या निकला इसमें से। ये मुंह है आईफोन वाला मुंह तो डेंज जी, मैं सुते पे बाल नु चंड वजी हुंदी। ये जो स्टिक है ना, इसे से फोटो लगानी है। लगाएं, मैं तो चाहता हूं इसी तरीके से आप मुझे टच करें। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं मैं, क्या बोलती तू। माशाल्लाह ये सलाब चो लाशा कटने वाला मुंह है। तुसी आईफोन दा सपना देख के मिलया मेनू, ये दसो। हमारी रोजी रोटी है, तुम शादी करो, तुम मैडम बनना, मैं प्रिंसिपल बनूंगा, अपना स्कूल चलाएंगे, खुले पैसे खुलिया तनखावा। अच्छा अब ना लोग सुन रहे हैं, उन्होंने आपकी आवाज पसंद है उनको, तो उनको कोई गाना सुना दे अच्छा सा। बंदे प्यार के ओ दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे ओ दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे। अरे दुनिया वाले कुछ भी बोले हम है प्रेम दीवाने, जहां भी जाए तुझे पुकारे गा के प्रेम तराने। दे दे प्यार दे प्यार दे दे हम प्यार दे ओ दे दे प्यार 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 दे दे हम प्यार दे। ओ अब इतनी जल्दी थक गए, बैठ खड़े रहो, स्टैंड अप। स्टैंड अप की कोमी तरह ना करवाना मेरे को तुसी। मुझे ना एक बात की समझ नहीं आ रही कि ये टीचर है तो ये बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे। बच्चों को मैं बताऊं आपको क्या पढ़ाता हूं? हाँ। कुछ न कहो चुप ही रहो, देखो धड़कन कहती है। मेरे साथ मौजूद थे हाफिज, वकार उर्फ विकी, और ये नाबीना भी हैं। अब मुझे पता नहीं क्या मतलब, नाबीना है लेकिन नाबीना वाली हरकतें नहीं है इनकी, और ना इनकी हाफिजों वाली है। वैसे आपस की बात मान के बखावा थानू की कसकोल फड़िया होएगा तो थानू पता लगेगा नाबीना कपड़े पाटे पावा फिर पता लगेगा। बस चले जी, इनकी बातें आपने सुनी है और मजाक करते रहते हैं ये हमेशा। आज फिर उन्होंने मेरे साथ मजाक कर दिया बहुत बड़ा, और बुरा ही हुआ है मेरे साथ जो भी हुआ है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए तो जल्दी से कर दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। दोबारा आज मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।